आज हम कक्षा 8 की गणित का 3.4 का प्रश्न क्रमांक 4, 5 एवं 6 हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 हल कर लेते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताएं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, समद्विभाजित करते हैं, सबसे पहले तो आपको चतुर्भुजों के प्रकार पता होना चाहिए। अब चतुर्भुज के प्रकार यदि हम देखें तो 5 प्रकार होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। इसमें समलंब चतुर्भुज मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। तो किस किस के करते हैं? समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये आकृतियां बना के रखी हैं मैंने। जैसे ही चतुर्भुज का नाम लेते हैं आप, उसकी आकृतियां आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही आपकी आकृतियां दिमाग में आएंगी तो आपको उनके विकर्ण खींच के पता चल जाएगा, आयत और ये वर्ग। तो इनके क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के, आयत के और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर दूसरा पूछा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब लंब समद्विभाजक होने के लिए क्या जरूरी है? ये देखिए, लंब समद्विभाजक के लिए इसकी जो भुजाएं हैं उनका एक समान होना जरूरी है। तो भुजाएं किस किस की समान होती हैं? सम चतुर्भुज की, सम चतुर्भुज एवं वर्ग की, है ना? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से वर्ग में भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सम चतुर्भुज एवं वर्ग। फिर तीसरा पॉइंट है बराबर हों। अब बराबर किसके विकर्ण हो सकते हैं? जिसके ये एंगल बराबर हों, जैसे कि आयत और वर्ग के। सम चतुर्भुज के और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं। बराबर किसके होते हैं? आयत के और वर्ग के। जिन चतुर्भुजों में पूरे ये कोण बराबर हों तो उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, आयत एवं वर्ग। अब जब ये रचनाएं खुद अपने हाथ से करेंगे, अपने हाथ से चित्र बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ये हमने एक आयत का चित्र बना के रखा है। अब इसके विकर्ण देखिए, आयत के जो विकर्ण हैं इसके अभ्यंतर में यानी कि अंदर की साइड में स्थित होते हैं, तो इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि आयत के विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। हमने 3.1 में पढ़ा है, उसमें दिए थे हमें उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। तो उत्तल कैसे होते हैं? जिनके विकर्ण बाहर तरफ को भी मिलते हैं। जैसे कि यदि हम ये इसके विकर्ण खींचें, कोई भी आकृति है मान लीजिए ये है, तो इसके जब विकर्ण अभ्यंतर में ना हो के बाहर की ओर होते हैं, ये जो विकर्ण है ये बाहर की ओर है, तो फिर ये आकृति कैसी हो जाएगी? अवतल चतुर्भुज, है ना? लेकिन आयत कैसा है? एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं हम। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है और बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। कौन सी चिन्हित रेखाएं हैं? ये वाली, ये ABC बस हमें दिया है त्रिभुज, और बाकी की चिन्हित रेखाएं हैं ये CD और AD, है ना? और इसको O से भी मिलाया है D को। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD, क्योंकि ये भुजाएं उन्होंने खुद ही बोला है कि खींची हैं, और AB बराबर CD जब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इन्होंने ये प्रश्न में ही दिया है कि ये O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। AB बराबर CD और ये AD बराबर BC, AD बराबर BC, और एंगल B कितना दिया है? 90 अंश। तो ABCD क्या हुआ? एक आयत होगा। कैसे होगा आयत? क्योंकि आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। जब ये वाला 90 अंश है और ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी 90 अंश के हो जाएंगे। तो फिर ABCD एक आयत हो गया। अब हम जानते हैं आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं एवं
परस्पर समविभाजित करते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो AC बराबर BD हो जाएगा। विकर्ण बराबर हैं तो AC बराबर BD, और समद्विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये चारों भी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये चार दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसीलिए ये जो चारों छोटे छोटे हिस्से हैं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु ओ ABC से बिंदु O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।